स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। जो चैप्टर 8 अपन पढ़ के आ रहे हैं उसके ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ द चैप्टर। तो पूरा का पूरा चैप्टर अपन ने पढ़े हैं 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट अपने को सारे मालूम है और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी इसके अंदर आते हैं। और मिसलेनियस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और वो क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए और थोड़े से स्पेशल टाइप के और अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दो पार्ट है, एक एक पार्ट हम वन बाय वन लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। नीचे एक कर्व्स और लाइंस गिवन है, उनके अंडर जो एरिया आएगा वो एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो पार्ट फर्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक कर्व दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, ये दो लाइंस दी हुई है एंड x एक्सिस। तो ये देखिए एक कर्व, दो लाइंस और x एक्सिस, इतनी चीजों से बाउंडेड एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। तो हम इन कर्व और इन लाइन को पहले एनालाइज कर लेते हैं कि किस टाइप का कर्व है और किस टाइप की लाइंस है, उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे और ये सारे लाइंस और कर्व्स को सेटिस्फाई करने वाला रीजन अपने को मिलेगा, फिर उसका एरिया अपन इंटीग्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट करें। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान से देखो, एक वेरिएबल का स्क्वायर है और एक वेरिएबल बिना स्क्वायर वाला है, इसका मतलब है कि ये पैराबोला है। अब ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्मेट का है, एक्स स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, इधर 4ay के फॉर्मेट का है, मतलब ये पैराबोला जो है y प्लस वाला है, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, मतलब ऐसा अपवर्ड पैराबोला रहेगा। तो इसको लिख देता हूं मैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ये तो अपवर्ड पैराबोला है। फिर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, ये दोनों भी जो है लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू 1, x एक्सिस पे बनाएंगे और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, सीधी एक लाइन ड्रा कर देंगे y एक्सिस के पैरेलल। फिर x इज इक्वल टू 2 आएंगे, यहां मिलेगा पॉइंट, y कोऑर्डिनेट 0, यहां से आप सीधी एक लाइन ड्रा कर देंगे y एक्सिस के पैरेलल। तो ये दोनों भी जो है ये लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, लाइंस पैरेलल y एक्सिस, y एक्सिस की पैरेलल लाइंस है एंड एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस। देखिए इतनी चीजों से बाउंडेड एरिया चाहिए, एक्स एक्सिस मालूम है आपको, एक्स को एक्स डैश वाली लाइन, तो इनसे बाउंडेड एरिया आपने कैलकुलेट। अब देखो लाइन के ऊपर फोकस करो कि लाइन जो है, लाइंस के इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, तो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा अपना काम हो जाएगा। वाई एक्सिस के पैरेलल ये दो लाइन ड्रा कर देंगे, अपनी लिमिट मिल जाएगी अपने को पॉइंट्स की, और एक्स एक्सिस बाद में अपन देख लेंगे कहाँ से अपने को एरिया लेना। ठीक है, तो बनाता हूँ मैं एक अपवर्ड पैराबोला, पहले फिगर अच्छे से बनाना आपको, क्योंकि पूरा खेल आपका फिगर के ऊपर ही है। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया मैंने। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अपवर्ड पैराबोला ऐसा बनाना है, बना दो एक अपवर्ड पैराबोला, देखिए करीब करीब ऐसा अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। इसके ऊपर इसका इक्वेशन लिख देता हूँ, ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो यहीं से आप सीधा एक ऐसी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर दो, ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, इसको बोल दिए x इज इक्वल टू 1। देखो x इज इक्वल टू 1 मतलब लाइन पैरेलल टू y कैसे आई है, x एक्सिस पे 1 यूनिट आ जाओ, यहाँ पे आ गए y कोऑर्डिनेट के, यहाँ से सीधी y एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रा कर दो। फिर एक है x इज इक्वल टू 2, तो 1 आपका यहाँ पे आया, 1 और 1 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ से सीधी y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो, ये है आपकी x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन। देखो ये वाली लाइन x इज इक्वल टू 1 y एक्सिस के पैरेलल है, ये x इज इक्वल टू 2 ये भी y एक्सिस के पैरेलल है, दोनों लाइन ड्रा कर दे और x एक्सिस ये वाली। तो अब देखो ये कर्व है, ये x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और ये x एक्सिस, तो इनसे बाउंडेड एरिया ये वाला दिख रहा है मुझे, आपको भी यही वाला दिख रहा होगा।
देख रहा, बस इतना एरिया आपको कैलकुलेट करना है। इसको मैं शेड लगा देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला एरिया अपना रिक्वायर्ड एरिया होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। देख रहे हैं आपको, देखो इसमें सारी चीज मिल रही है आपको, ये कर्व मिल रहा है y इक्वल टू x स्क्वायर, ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन मिल रही, ये x इक्वल टू 2 वाली लाइन मिल रही, और ये x एक्सिस मिल रही थी। तो अब ये है आपका यहाँ से यहाँ तक इतना एरिया है। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमको इंटीग्रेशन का यूज करना है। तो इंटीग्रेशन के थ्रू हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम एक स्ट्रिप ड्रा करते हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। एक स्ट्रिप का एरिया एज अ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ एंड टू ब्रेथ है ना, और उसमें उसकी लिमिट लगा देते हैं तो पूरा एरिया आ जाता है। तो देखो अब यहाँ पे स्ट्रिप ड्रा करना है, तो मैं सीधी वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर देता हूँ, तो एक्स एक्सिस पे टच हो जाएगी वो। एक आप वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा करते पतली सी, ये एक स्ट्रिप हो गई, ये सीधी एक्स एक्सिस पे टच हो गई, तो इसको डीएक्स बोल दो, इसकी विड्थ डीएक्स है और इसकी लेंथ को वाई दे दो। जब स्ट्रिप सीधी सीधी एक्सिस पर टच हो जाती है तो वाई वन वाई टू लेने की जरूरत नहीं, जब वो एक्सिस पर टच नहीं होती है तब अपने को y1 y2 लेंथ लेना पड़ता है, फिर y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 करते, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब हमको ये एक स्ट्रिप मिल गई रेक्टेंगल जैसी दिख रही है, इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ y dx हो जाएगा, तो इससे तो एक स्ट्रिप का एरिया आएगा। हमको ये पूरा एरिया चाहिए इतना, तो इसके लिए हम ये कर्व की यहाँ से यहाँ तक लिमिट देख लो आप, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो 1 टू 2 इसकी लिमिट लगा देंगे और y dx, और y की वैल्यू आप यहां से रख देंगे x स्क्वायर, उस पर इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अब मैं डायरेक्ट एरिया निकालता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अपने, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बस अपने को क्वेश्चन पर सॉल्व करना, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक स्ट्रिप का एरिया y dx। अब यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो x की दो वैल्यूज ले लो, यहाँ से यहाँ तक करो मैं, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, ये लिमिट हो जाएगी 1 टू बस। अब ये y की वैल्यू यहाँ से ये कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख दो, तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 टू 2 y की वैल्यू एक्स स्क्वायर और ये dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है अपने पास में, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर प्लस कर दो एक्स क्यूब अपॉन टोटल पावर से डिवाइड कर दो 3, और ये लिमिट लगा दो 1 से 2, 1/3 को बाहर कर लो, ये 1/3 बाहर आ गया, और ये एक्स क्यूब और ये इसकी लिमिट है 1 से 2। अब एक बार आप x के प्लेस पे 2 रख दो और एक बार 1 रख के माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका विच इज इक्वल टू 1/3, एक्स के प्लेस पे 2 रख देंगे तो 2 क्यूब, माइनस एक्स के प्लेस पे 1 रख देंगे तो 1 क्यूब। इसको सॉल्व कर लो, ये 1/3 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब 1, 8 माइनस 1 करेंगे 7 और 3, ये आ गया आपका 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट इतना एरिया होगा, ये अपना रिक्वायर्ड एरिया है 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। आसानी से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर चेक करके दिखाता हूं आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट 7/5, उसने स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा, अपन लिखते एरिया के साथ में स्क्वायर यूनिट। अभी सेकंड पार्ट और करना है इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। सेकंड पार्ट में कर्व दिया वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 5 एंड द एक्स एक्सिस, इतनी चीजों से बाउंडेड एरिया निकालना है। तो अब देखो ये वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 दिख रहा है, इसमें दो वेरिएबल है, एक x और एक y, तो x की पावर 4 है और y, अगर इसका फिगर बनाया जाए पॉइंट्स लेके तो ये भी एक पैराबोला ही बनेगा, लेकिन अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी पैराबोला बनाने के लिए। अपन x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5 ये दो वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे x की एक बार 1 रख देंगे और एक बार 5 रख के सॉल्व करेंगे तो y की दो वैल्यू आ जाएगी, तो दो पॉइंट आ जाएंगे अपने पास। अगर इसका पूरा फिगर ड्रा किया जाए तो इवन पावर है एक वेरिएबल के और एक वेरिएबल 1 पावर वाला है, तो ये भी पैराबोला ही बनेगा, लेकिन अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। अपन ये दो वैल्यू रख के वाई की दो वैल्यू निकाल के दो पॉइंट बना लेंगे, बस उसी से अपना डायग्राम बन जाएगा और एक्स एक्स, तो इससे बाउंडेड एरिया अपने को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं इसको इसका स्केच बनाता हूँ या डायग्राम बनाता हूँ और इन चीजों से रिक्वायर्ड एरिया अपन निकाल लेंगे। वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 4, मैंने बताया आपको पैराबोला है, और ये पैराबोला अपन पूरा नहीं बनाएंगे लेकिन ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला जैसे, आधा दिखेगा, अभी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें दिखेगा, लिखता नहीं उसको पैराबोला क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है तो अपन उसको लिखते एकदम स्टैंडर्ड नहीं। और लाइंस दी हुई है आपको
एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू फाइव, इन दोनों को देखो, दोनों भी एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू फाइव, ये लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यह है लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, y एक्सिस की पैरेलल लाइन से दोनों x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू फाइव, एंड x एक्सिस, एंड x एक्सिस, इतनी चीजों से बाउंडेड एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए बनाता हूं मैं इसका फिगर, x o x डैश y o y डैश, बना लिया मैंने एक्सेस, अपवर्ड पैराबोला टाइप का बनेगा इसलिए ऐसा ले लो, आधा ही बनाएंगे अपन, पूरा बनाने की जरूरत नहीं। चलिए देखिए, अब देखना जरा, एक्स की एक वैल्यू वन दी हुई है और एक एक्स की वैल्यू फाइव दी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ अभी देखो, इसका फिगर बनाना ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो डायरेक्ट अपन अपवर्ड पैराबोला बना लेते, लेकिन अभी ये अपने को एक्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन बनेगा पैराबोला जैसे ही, तो पहले मैं x is equal to 1 और x is equal to 5 वाली लाइन ड्रा कर लेता हूं, x is equal to 1 का मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x is equal to 5 का मतलब भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो x is equal to 1, जैसे मान लीजिए x is equal to 1 यहां पे आ गया, ये आ गया आपका 1, यहां पे आ गया आपका 1, y कोऑर्डिनेट यहां से सीधी आप y एक्सिस की पैरेलल एक लाइन ड्रा कर, ये है आपकी x is equal to 1 वाली लाइन, देखो y एक्सिस की पैरेलल दिख रही है आपको, फिर एक्स इज इक्वल टू फाइव, एक्स इज इक्वल टू फाइव, तो फाइव आप वन टू थ्री फोर फाइव यहां से ले लेता हूं, हाँ अंदाज से यहां से फाइव, यहां से भी आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो, ये एक्स इज इक्वल टू फाइव, देख रही है आपको वाई एक्सिस के पैरेलल ये भी है, वाई एक्सिस के, मैंने पहले ये दो लाइन ड्रा कर दी, ऐसी आना ही लाइन, बाद में ड्रा करो पहले ड्रा करो, अब ऐसा इसलिए करना पड़ा अपने को क्योंकि अपना जो कर्व है थोड़ा सा मतलब टेढ़े टाइप का है, एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अब देखना, अगर इसमें अपन x is equal to 1 रख दे, x is equal to 1 यहाँ पे रखे, तो 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 1 है, तो एक पॉइंट मिलेगा आपको 1, 1, तो देखो ये x एक्सिस पे 1 ये और y एक्सिस पे 1, इतने ही डिस्टेंस आप यहाँ आ जाओ तो यहाँ मिल जाएगा आपको एक पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया आपका 1, एक पॉइंट आ गया आपका, इसको बोल दो 1, 1 आएगा यहाँ पे, देखो x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 1, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख के निकाल दिया, अब एक पॉइंट और है, x is equal to 5 है, यहाँ 5 रखो आप x के प्लेस पे, तो y is equal to क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 करो, 5 की पावर 4 कितना होगा, 5 की पावर 4, 5 5 25 दो बार में, 5 3 125 और 125 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, मतलब y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 5 रहेगी तो y की वैल्यू 625 आएगी यहाँ पे रखने से, तो x is equal to 5 तो ये है, अब y is equal to 625 चले जाओ आप ऊपर बाहर निकल जाओ, यहाँ से कमरे से बाहर निकल जाओ, 625 बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो मैं उसको यहाँ पे ले लेता हूँ, एग्जैक्ट नहीं है ये, यहाँ पे ले लिया मैंने ऐसे ही अंदाज से बताने के लिए आपको, क्योंकि 625 पे जा ही नहीं सकते अपन, भाई 5 की पावर 4 625 होगा, तो x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 625, जरूरत नहीं अपने को, अंदाज से यहाँ पे ले लो। अब आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स को एक कर्व से ज्वाइन कर दो और देखो, ये जो y is equal to x raised to 4 दिख रहा है आपको, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, देखो x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस 0 रखें, 0 is equal to 0, तो अब मैं कर्व क्या करता हूँ, ऐसा कर्व बना देता हूँ, ऐसा बिल्कुल पॉइंट अपने बिल्कुल मेजरमेंट के नहीं है ना, चलो जान दो ऐसा बना दिया मैंने, देखो आप इसको, ये ओरिजिन से पास हो रहा है और ये ऐसा चला गया, और ये इधर से ऐसा भी जाता तो पैराबोला बनता कि नहीं बनता, बनता ना पैराबोला, देखो ये जैसा इधर गया, अब ये ओरिजिन के बाद से ये वर्टेक्स आता है, इसका इधर भी ऐसे ही जाता है, बनता बनता पैराबोला, बनाना नहीं है अपने को, जरूरत नहीं है उसकी, तो मैंने ऐसा आधा बनाया, देखो दिख रहा है ना पैराबोला टाइप का, इधर आप इसको ऐसा एक्सटेंड कर देंगे इस डायरेक्शन में ऐसा, तो वैसे ही आएगा जैसा इधर आ रहा है, उतनी डिस्टेंस पे इधर आएगा, सिमेट्रिक फिगर रहता है, तो अब ये कर्व आ गया आपका, इसका इक्वेशन लिख देता हूं मैं कर्व का, ये कर्व है आपका, क्या है ये, y is equal to x raised to the power 4, x is equal to 1 वाली लाइन ये है,
x इज इक्वल टू 5 वाली लाइन ये है और x एक्सिस ये है, तो कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, ये अपना बाउंडेड एरिया इतना आएगा। इसको मैं शेड लगा देता हूँ फटाफट, ये एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, ऐसा भी लगा दो तो पता रहे कि ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या थे 5, 625 ऐसा लिख दिया मैंने, ऐसा ऐसे अपने को जरूरत नहीं है 625 की, अपना काम ये x = 1 और x = 5 सही हो जाएगा, ठीक है, ये अंदाज से लिख दिया मैंने यहाँ पे 625। नहीं भी लिखते आप इसको तो चल जाता, अपना काम ये वाला, यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास में और यहाँ पे x की वैल्यू। अब देखो ये x एक्सिस आ गई, ये कर्व आ गया, ये लाइन x = 1, ये x = 5 से बाउंडेड एरिया, ये वाला एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन में अपन क्या करते हैं कि एक स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं और उसमें लिमिट लगा देते हैं, तो यहाँ पे सीधी x एक्सिस पे स्ट्रिप आ जाएगी, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर दो, करो भाई एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा, पतली से एक स्ट्रिप ड्रा कर दो सीधी x एक्सिस पे, एक स्ट्रिप आ गई अपनी सीधी x एक्सिस पर, इसकी जो विड्थ है वो dx ले लो, थ्री टच हो गई x एक्सिस पर, और इसकी जो लेंथ है उसको y ले लो, तो एक स्ट्रिप का एरिया y इंटू dx हो जाएगा, लेकिन अपने को पूरा एरिया चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ dx है, तो x की दो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 5, 1 to 5 इसकी लिमिट हो जाएगी, और ये y dx से अपना ये वाला एरिया आ जाएगा। चलिए मैं डायरेक्ट एरिया निकालता हूँ, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y dx, ये एक स्ट्रिप का एरिया होगा, इसमें लिमिट लगा देते dx से, तो x की दो वैल्यू 1 और ये 5, 1 to 5, y की वैल्यू रख दो यहाँ पे, y की वैल्यू x रेस टू 4, तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 टू 5 x रेस टू 4 dx, x रेस टू 4 dx का, x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन अपने पास में क्या, एक पावर प्लस कर दो, तो x रेस टू 5 अपॉन टोटल पावर से डिवाइड कर दो 5 से, और ये लिमिट लगा दो 1 टू 5, ये 1 अपॉन 5 को बाहर कर लेते हैं, ये x रेस टू द पावर 5 और ये 1 टू 5, एक बार x के प्लेस से 5 रख दो, एक बार 1 रख के माइनस कर दो, ये 1 अपॉन 5 बाहर है, ये 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 विच इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 5, 5 की पावर 5 कितना होगा, 5 की पावर 4 में तो 625 होता है, एक बार और 5 को मल्टीप्लाई कर, 5 5 जो 25, 5 2 बचा, 5 2 जो 10 और 2 12, 1 बचा, 5 6 जो 30 और 1 31, 3125, ठीक 3125 माइनस 1 की पावर 5 1 हो जाएगा, ये विच इज इक्वल टू 3125 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3124 बच जाएगा, और अपॉन में 5 कर, अब आप चाहे तो इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं भी डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर देता हूँ मैं डिवाइड, 5 6 30 1 बचा, 5 2 10 और 5 4 20 डेसिमल, 5 8 40, 624.8 स्क्वेयर यूनिट्स, स्क्वेयर यूनिट्स इतना एरिया आ जाएगा। आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, 3124/5 बुक में ऐसा सॉल्व कर दिया तो अपन ने सॉल्व कर दिया, नहीं तो इतना एरिया हो जाएगा स्क्वाट आ गया। तो ये जो एरिया था आपका ये वाला, वो एरिया इतना होगा 624.8 स्क्वायर यूनिट, आप इतना छोड़ सकते हैं, मैंने बुक का आंसर देख के ऐसा कर दिया, बुक में देख लिया था मैंने आंसर, अब देख लिया था, आपको भी दिखा देता हूं मैं 624.8, हमको पता है था कि आंसर क्या आने वाला है। देखो भाई चल स्टार्ट करें इसको, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y = x एंड y = x स्क्वायर। देखिए एक लाइन दी हुई है y = x और एक कर्व दिया हुआ है, इससे बाउंडेड एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, तो y = x, इसको एक इक्वेशन दे देता हूं मैं, इसको ध्यान से देखो, ये लाइन का इक्वेशन है, इसमें एक वेरिएबल इधर है और एक वेरिएबल इधर है, और 0-0 से पास होगी ये लाइन, इसको लिख दो पासिंग थ्रू 0-0, पासिंग थ्रू 0-0 या ओरिजिन, देखो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो सेकंड दे दो, देखो एक वेरिएबल का स्क्वायर और एक बिना स्क्वायर वाला मतलब पैराबोला है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्मेट का है, y प्लस वाला है आपका, मतलब y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा, तो ये अपवर्ड पैराबोला दिया हुआ है, तो लिख देता हूं मैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, तो एक अपवर्ड पैराबोला और एक लाइन है। अब देखो
ये जो लाइन है इसमें दोनों वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक्स भी दिख रहा है और वाई भी दिख रहा है, मतलब अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। और ये लाइन वैसे है कैसी, 0 0 से तो पास होगी, और वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, एम की वैल्यू 1 है तो एम इजिकल टू टेन थीटा होता है, टेन थीटा इजिकल टू 1, 1 टेन में किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 4, मतलब 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ओरिजिन से पास होगी लाइन, लेकिन फिर भी अपने को इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों वेरिएबल इसके अंदर। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इस पैराबोला को और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट अपन पहले ही निकाल लेते हैं। तो देखो ये वाई इजिकल टू एक्स और ये वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों के राइट साइड को इक्वल रख रहे, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को इधर शिफ्ट कर लेते हैं या एक्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने एक्स को इधर शिफ्ट किया है, लिखा इधर है, यहाँ से एक्स कॉमन निकाल देते हैं, एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो आइदर जैसे एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगी एक वैल्यू और एक आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगी दो वैल्यू। अब देखो एक्स की दो वैल्यू आ गई तो वाई की भी दो वैल्यू आ जाएगी, इसको कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट वाले में रख दो, फर्स्ट आसान दिख रहा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दो, फर्स्ट में वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 रख दिए तो 0 हो गया, और y इज इक्वल टू 1 रख, एक्स इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो y इज इक्वल टू 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया आपके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल 0 कॉमा 0 आ गए, और एक x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की 1 1 कॉमा 1, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ क्या क्या 0 कॉमा 0 एंड 1,1। यहाँ अपने शुरू में लिखे नहीं थे फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ लिख सकते हैं फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों को सॉल्व। कब सॉल्व करते हैं अपन, जब लाइन के इक्वेशन में दोनों वेरिएबल रहते हैं, और लाइन के बारे में पता है कि ओरिजिन से पास होगी 45 का एंगल बनाती हुई जाएगी, और ये अपवर्ड पैराबोला ये बनाते हैं, और ये उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेंगे, बस अपने को इन दोनों से बाउंडेड एरिया मिल जाएगा, इंटीग्रेशन लगा के अपन एरिया कैलकुलेट कर लो। फिगर बनाना है, एक अपवर्ड पैराबोला मैं यही बनाता हूँ, अपवर्ड पैराबोला बनाना है, एक्स ओ एक्स डैश ये वाई ओ वाई डैश, ठीक है चलिए अपवर्ड पैराबोला बना देते हैं एक पहले हम, चलिए ये बन गया। अब देखिए इसका इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, तो कर्व है ये है आपका वाई इजिकल टू एक्स स्क्वेयर। अब अपने को ये वाली लाइन ड्रा करना वाई इजिकल टू एक्स, देखो वाई इजिकल टू एक्स ओरिजिन से पास होगी, और मैंने बताया आपको कि 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाएगी, तो 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ से इधर भी आगे तक आ जाएगी, देखो ऐसी लाइन आ गई, आगे ऐसी लाइन, इस लाइन का इक्वेशन बोल दो आप वाई इजिकल टू एक्स। अब देखो ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है इसको और यहाँ पे कट कर रही, तो ये तो आपका 0,0 हो गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट 0,0 और एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिल रहा है आपको यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या 1,1, ये 1,1 वाला पॉइंट है, यहाँ चाहे तो आप ऐसा बना दो, और एक ये मिला एक 0,0 ओ और ये 1,1। तो अब देखो ये कर्व है और ये लाइन है, इससे बाउंडेड एरिया कौन सा हुआ, ये वाला, इसको शेड लगा देता हूँ, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर। अब देखो ये बारीक सा एरिया है, अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि स्ट्रिप बनाते हैं, तो अपन इधर से वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे तो भी एक्सिस पे टच नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे तब भी नहीं टच होगी, तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप बना देता हूँ और उसको स्ट्रेच कर देंगे, बनाओ एक वर्टिकल स्ट्रिप छोटी सी, देखो इतनी बड़ी स्ट्रिप बनी, अब इसको अपने को एक्सिस पर टच कराना, तो इसको खींचेंगे तो यहाँ तक आ जाएगी, तो इसकी जो वेट है वो dx और इसकी लेंथ को ये y1 ले लो, y1 कहाँ तक की लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक की पूरी, एक्सिस से यहाँ तक की y1 हो गई और यहाँ से यहाँ तक की y2 ले लो। अब जो जहाँ पे टच हो रहा है वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल, जैसे ये y1 जो है ये किस पर टच हो रहा है, y1 लाइन के ऊपर टच हो रहा है, y1 लाइन के ऊपर टच हो रहा है, तो यहाँ से y1 की वैल्यू निकाल, y1 इज इक्वल टू x,
और ये y2 किसके ऊपर टच हो रहा है, कर्व के ऊपर टच हो रहा है, तो यहाँ पर y2 is equal to x square, ठीक है। और अब अपने को ये वाली स्ट्रिप, एक स्ट्रिप आ गई अपने पास में, एक स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इतनी स्ट्रिप की लेंथ चाहिए अपने को, ये छोटी वाली इतनी चाहिए। ये कैसी मिलेगी, यहाँ तक के y1 ले लेंगे, इसमें से ये y2 को माइनस कर देंगे, तो स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, y1 माइनस y2, और इसकी विड्थ dx का इंटू कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एक स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, y1 माइनस y2 इंटू dx, तो सिर्फ एक स्ट्रिप का एरिया आएगा, अपने को ये पूरा एरिया चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसके लिए अब यहाँ dx है तो x की दो वैल्यू यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो लिमिट 0.0 to 1 y1 माइनस y2 dx, बस ये एरिया हो जाए। चलिए लेता हूँ इसको, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 माइनस y2 dx, ये होगा भैया एक स्ट्रिप का एरिया y1 माइनस y2, ये y1 पूरा माइनस y2 dx। अब अपने को ये इतना पूरा एरिया चाहिए, तो इसमें dx है तो x की दो वैल्यू, ये 0 और ये 1, 0 to 1, देख रहे 0 to 1 को थोड़ा सा ठीक, 0 to 1। बस अब y1 की और y2 की वैल्यू रख देते हैं अपन, मैं इधर के पेज में ले लेता हूँ यार इसको, मेरे को यहाँ दिक्कत होगी, वही वाला ले लिया मैंने, 0 to 1 y1 माइनस y2 dx, y1 की वैल्यू रखते हैं y2 की वैल्यू रखते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, y1 देखो किसके ऊपर टच हो रहा है, ये y1 है, ये y1 ये हो रहा है आपका लाइन के ऊपर टच हो रहा है, लाइन का इक्वेशन ये था y इक्वल टू x, y1 इक्वल टू x हो जाएगा, ये हो गया x माइनस y2 देखो किस पर टच हो रहा है, y2 आपका ये कर्व पे टच हो रहा है, y2 आपका इस कर्व के ऊपर टच हो रहा है, कर्व का इक्वेशन ये है, यहाँ y2 इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर और ये dx, दोनों के इंटीग्रेशन है आपके पास में, x का भी है x स्क्वायर का भी है, विच इज इक्वल टू लिमिट लगा देंगे यहाँ, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 और ये लिमिट लगा देंगे 0 से 1। अब एक बार x के प्लेस से 1 रख दो, एक बार 0 रख के माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 रख दो x के प्लेस पे, 0 स्क्वायर 0 अपॉन 2 माइनस 0 क्यूब 0 अपॉन 3, इसको सॉल्व कर लो, ये 1 स्क्वायर 1 हो गया अपॉन 2 माइनस 1 क्यूब 1 हो गया अपॉन 3 और ये तो पूरा 0 हो जाए, 0 अपॉन 2 0 0 अपॉन 3 0, ये पूरा 0 हो गया, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, एलसीएम ले लो 6, 2 से डिवाइड के 3 टाइम 3 बन जा 3, माइनस 3 से डिवाइड के 2 टाइम 2 बन जा 2, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 अपॉन 6 स्क्वेयर यूनिट्स, 1 अपॉन 6 स्क्वेयर यूनिट्स, ये अपना रिक्वायर्ड एरिया होगा 1 अपॉन 6, ये वाला एरिया जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 अपॉन 6 के इक्वल होगा स्क्वेयर यूनिट्स। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा आंसर 1 अपॉन 6, आगे आसानी से।